जबलपुर में यहां भी बारिश का कहर जारी है। तेज बारिश में गौरी घाट और बरेला में दीवारें ढह गई है। दीवारों के नीचे दबने से दो लोगों की मृत्यु हो गई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गौरी घाट में शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। तो बालाघाट के बाद ये जबलपुर का नज़ारा आप देख सकते हैं। शहर के गढ़ा गंगा नगर धन्वंतरी नगर का अंडरब्रिज रेलवे सहित शहर के सिविल लाइंस में जल भराव से लोग परेशान हैं। रात में हुई 6 इंच बारिश ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। धन्वंतरी नगर के भाजपा पार्षद जीतू कटारे खुद JCB लेकर पानी की निकासी करते नजर आए। गुआरी घाट में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहीं मृतक के घर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह पहुंचे और उनके मृतक के परिजनों से मिलकर शासन की ओर से 4 लाख रुपए की सहायता देने का आश्वासन भी उन्होंने किया। और संवाददाता फतेह सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फतेह, जिस तरह से वहां पे हम देख रहे हैं नज़ारा बड़ा विकराल दिख रहा है, इसे अभी तक जिला प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें ये जबलपुर में पिछले 2 दिनों से जो रात में के वक्त जो तेज बारिश हो रही है उसने अब तक 6 इंच से ज्यादा ये आसमान ने बारिश यहाँ पर कर दी है। इसको लेकर जो जबलपुर के निचले इलाके हैं वहाँ काफी जल भराव की स्थिति बनी थी और लोगों के जो गृहस्थी का सामान है वो भी यहाँ पर काफी खराब गीला हो गया था। और यहाँ पर आपको बता दें अभी जो नर्मदा नदी है उसकी सहायक नदियों के कारण जो नर्मदा अपने रौद्र रूप में है और यहाँ ग्वारी घाट और भेड़ा घाट में काफी भारी मात्रा में यहाँ पर पानी आया है, जिसके चलते वहाँ जो भेड़ा घाट में जो दुकानें यहाँ पर लगी हुई थी वो इस बाढ़ की भेंट चल गई हैं और जिसमें जो वहाँ गरीब दुकानदार लोग रहते हैं उनके उनका लाखों का सामान है जो वो यहाँ बाढ़ में बह गया है। यहाँ बात करें अगर निचले इलाकों की तो यहाँ पर जो नगर निगम की पोल है जो ये 2 दिनों से जो बारिश हो रही है उसने खोल कर रख दी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी या फिर नगर निगम के अधिकारी ये कोई भी यहाँ पर लोगों को राहत देने नहीं पहुंचे थे। लेकिन जिसको लेकर जो यहाँ धन्वंतरी नगर के भाजपा पार्षद है ये खुद भी वहाँ एक JCB मशीन लेकर वहाँ पर पहुंचे और पानी निकासी की यहाँ पर व्यवस्था की थी। यहाँ पर आपको बता दें सिविल लाइन का चाहे वो पुल नंबर 1 हो चाहे वो मदन महल का ब्रिज हो, यहाँ पर ऐसे जल प्लावन की स्थिति बनी थी कि लोगों को देर रात आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था। अभी हालांकि जो NDRF है SDRF की टीम है वो नर्मदा के ग्वारी घाट और बेड़ा घाट में तैनात है ताकि बाढ़ के समय जो भी वहाँ आसपास लोग रहते हैं उन्हें किसी भी जनहानि ना हो, उसके लिए वो अलर्ट यहाँ पर कर रही है लोगों को। जी फतेह, पूरी जानकारी के लिए देख सकते हैं जबलपुर में किस तरह का नज़ारा वहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि शहर के जो निचले इलाके हैं वहाँ पे पूरी तरह से जल भराव है, लेकिन जैसा कि फतेह सिंह बता रहे हैं कि कहीं से भी जिला प्रशासन इस मामले में अलर्ट मोड पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है।